हैप्पी मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्या मूलों की प्रकृति। क्या है प्रकृति? मूलों की प्रकृति क्या होती है? विभक्तर का कंडीशन क्या होता है? यदि डी स्क्वायर बराबर जीरो आ जाए, जीरो से बड़ा आ जाए, जीरो से छोटा आ जाए, तो उसका मान क्या होता है? ठीक, ऐसे किस लिए यूज किया जाता है पहले बताइएगा। ठीक है, या विभक्तर किस लिए यूज किया जाता है? प्राकृतिक मतलब कोई भी समीकरण दिया जाए उसे सॉल्व करने के पहले आंसर हम मालूम कर लें, मतलब उसका पॉजिटिव आएगा कि बराबर मान आएंगे कि बराबर नहीं आएंगे। एग्जैक्ट मान नहीं होगा मगर यह पता हो जाएगा कि वह उसका मान कैसा होगा। ठीक है, इसीलिए यूज करते हैं विभक्तर। और क्या देखेंगे इस वीडियो में? यह समीकरण जो दिया गया है इसकी प्राकृत भी जानेंगे। ठीक है, प्राकृत क्या होता है चलिए जानते हैं। चलिए आते हैं विभक्तर एवं मूलों की प्राकृत। ठीक है, क्या है? डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। रूट का अलग अलग नाम हो सकता है। क्या हो सकता है आप सबको पता है? रूट मतलब मूल, मूल मतलब शून्यांक, शून्यांक मतलब वैल्यू, वैल्यू मतलब मान। कैसा मान? एक्स का पावर जितना रहता है उतना उसका मान होता है, उतना उसका वैल्यू होता है, उतना उसका रूट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम आज देखेंगे द्विघात समीकरण के वह क्या प्राकृतिक, मूलों की प्राकृतिक क्या होती है। चलिए आ जाते हैं कंडीशन है। यदि विभक्तर का फार्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक, इसका कंडीशन ही होता है। क्या कंडीशन होता है देखिएगा, यदि डी का मान जीरो से क्या आ जाए? बड़ा आ जाए, जीरो से बड़ा आ जाए, मतलब वन टू थ्री आ जाए, तो इसका मान क्या हो सकता है? वास्तविक। ठीक है, क्या होगा? वास्तविक और असमान, असमान। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मतलब कोई भी वैल्यू दिया जाए तो उसका मान अलग अलग हो सकता है। सपोज हम मान लेते हैं माइनस फाइव थ्री, या क्या है? एक वास्तविक है और असमान वैल्यू आ सकते हैं, इसे माइनस एक्स वाई कर देते हैं कंडीशन। ठीक है, वैल्यू नहीं है। यदि आप क्या ले लेते हैं सेकंड कंडीशन क्या है? डी, डी का मान क्या आ जाए? जीरो आ जाए, जीरो से बड़ा। यदि डी का मान जीरो, यदि डी बराबर जीरो आ जाए तो आपका क्या होगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा और क्या होगा? समान होगा। मतलब वैल्यू आपका वास्तविक और समान होगा। मतलब क्या हो सकता है? माइनस एक्स हो सकता है या वाई गामा वाई हो सकता है। मतलब जो भी वैल्यू आएगा वह आपका बराबर होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, चलिए थर्ड कंडीशन जान लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है? डी लेस देन जीरो। यदि डी का मान जीरो से कम आ जाए तो उसका मान क्या होता है? अवास्तविक। ठीक है, अवास्तविक यह होता है। ठीक, यह आपका कंडीशन है कोई भी द्विघात समीकरण के लिए। d बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी चेक करेंगे, यदि जीरो से बड़ा आ जाए तो इसका उस समीकरण का मान वास्तविक और असमान होगा। यदि d बराबर जीरो आ जाए तो वास्तविक होगा, समान भी होगा। वास्तविक मतलब कोई भी माइनस प्लस कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, चलिए यदि d लेस देन जीरो, d का मान जीरो से क्या आ जाए? छोटा आ जाए, तो क्या आगा? अवास्तविक होगा। ठीक, चलिए आते हैं सवाल पर। क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 के बाय इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताओ। कैसे बताएंगे चलिए जानते हैं। क्या समीकरण दिया है? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। 7 के स्थान पर हम सी लिख दिए इक्वल टू 0। अब मूलों की प्रकृति कैसे मालूम होता है? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यू हम पुट अप कर देते हैं। अब a और c का मान क्या होता है? a आपका एक मान है, a b का मान है, a c का मान होता है। ठीक है, a का मान, a b का मान, a c का मान होता है। तो चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। b का मान कितना है? 3, 3 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान 2।
80 का मान -7 चिन्ह के साथ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो कितना 3 त्रिका 9, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 सते 56, ठीक कहा आ गया, जोड़ दीजिए 9 6 15, 5 1 6, बी बराबर इतना आ गया। अब बताओ जीरो डी का मान जीरो से बड़ा है छोटा है, डी का मान जिगा है बड़ा है इस संख्या से, डी देखिए पॉजिटिव है ना, जीरो से बड़ा है कि नहीं, जीरो से बड़ा है डी का मान, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या वास्तविक और क्या होगा असमान होगा, असमान होगा, इसका मूल जो भी आएगा वास्तविक होगा और असमान होगा। इस प्रकार हम प्रैक्टिस चेक करते हैं किसी भी द्विघात समीकरण का। ओके चलिए समान क्या कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं। मूलों की प्रैक्टिस क्या होती है, विविक्तक d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यदि d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो वास्तविक और असमान होगा, यदि d बराबर 0 आ जाए तो वास्तविक और समान होगा, ठीक है, यदि d लेस देन 0, d का मान 0 से छोटा आ जाए मतलब माइनस में आ जाए तो अवास्तविक होगा। ओके इस प्रकार हम क्या विविक्तक एवं मूलों की प्रैक्टिस पढ़ लिए। ओके बाय।